दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे टेस्ट का आगाज हो चुका है, जहां जिस टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया और पास का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले ही दिन दोनों टीमों के बीच में कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां पहले दिन भारत के युवा तेज गेंदबाज डेब्यूटेंट आकाशदीप का तूफान देखने को मिला। तो दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और इंग्लैंड के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जहां इस सीरीज के पहले 3 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। बता दें कि इस सीरीज में भारत की टीम के द्वारा काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। जरूर पहले टेस्ट में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद में भारत ने बेहतरीन कमबैक किया और बैक टू बैक 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। और अब सबको इंतजार था चौथे टेस्ट का, जिसका आगाज आज हो चुका है। बता दें कि इस मैच का आगाज रांची के मैदान पर हुआ, जहां इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में इंग्लैंड की टीम के पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी इंग्लैंड की टीम के लिए जैक क्रॉली और बेन डकेट पारी की शुरुआत करने के लिए आए। इन दोनों पर इंग्लैंड को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाया। खासतौर पर जैक क्रॉली काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे और चौके पर चौके लगाकर इंग्लैंड की टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी ओर खड़े बेन डकेट क्रॉली का बेहद ही अच्छा साथ निभा रहे थे, जिसकी वजह से शुरू में दबाव भारत के गेंदबाजों पर साफ दिख रहा था। लेकिन दूसरी ओर भारत के लिए युवा गेंदबाज आकाशदीप काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और अच्छी लय में नजर आ रहे थे। आकाशदीप ने जैक क्रॉली को एक बेहतरीन गेंद डालकर क्लीन बोर्ड कर दिया, लेकिन वो बॉल नो हो गई। वहीं दूसरी इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने 9 ओवर में इंग्लैंड के स्कोर को 46 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन पारी के 10वां ओवर लेकर आए आकाशदीप ने बेन डकेट को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवा दिया और भारत को पहली सफलता दिला दी। बता दें कि डकेट कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर सके और 11 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए ऑली पॉप, लेकिन पॉप भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और इसी ओवर की चौथी गेंद पर आकाशदीप ने ऑली पॉप को LBW आउट कर दिया। इंग्लैंड के बैक टू बैक 2 बड़े झटके दे दिए, जहां ऑली पॉप अपना खाता भी नहीं खोल सके और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए जो रूट, जहां आज रूट पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि इंग्लैंड की पारी को संभाले, लेकिन 12वें ओवर में आकाशदीप ने जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड करके भारत को बड़ी सफलता हाथ दिला दी और इंग्लैंड को तीसरा झटका दे दिया, जहां इंग्लैंड ने 2 ओवर में ही 3 बड़े विकेट खो दिए थे। बता दें कि जैक क्रॉली ने इंग्लैंड के लिए 100 की स्ट्राइक रेट के साथ में 42 रन की तेज तर्रार पारी खेली और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे जॉनी बेयरस्टो, जिसके बाद में जॉनी बेयरस्टो और जो रूट ने मिलकर इंग्लैंड की टीम की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, जहां खास तौर पर बेयरस्टो शुरू से अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और रूट आज अपना समय लेकर बेयरस्टो का अच्छा साथ दे रहे थे। यहां पर पारी के 20वें ओवर में रूट और बेयरस्टो ने इंग्लैंड की टीम को 100 रनों तक पहुंचा दिया और अब ये दोनों सेट नजर आ रहे थे और रन भी आसानी से बटोर रहे थे, जहां 22वें ओवर की पहली गेंद पर बेयरस्टो ने चौका लगाकर अपने और रूट के बीच में अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर अश्विन ने बेयरस्टो को LBW आउट करके भारत को चौथी सफलता दिलाई और इंग्लैंड को एक और झटका दे दिया और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, लेकिन बेन स्टोक्स भी इंग्लैंड के लिए अपना योगदान नहीं और उनको एक बार फिर से रविंद्र जडेजा ने LBW आउट कर दिया, जहां बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए सिर्फ 3 ही रन बना पाए और इसके साथ में इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई और अगला सेशन भी समाप्त हो गया, जहां पहले सेशन समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम ने 112 रन बना लिए थे 5 विकेट के नुकसान पर, जिसके बाद में दूसरे सेशन का आगाज हुआ इंग्लैंड की ओर से जो रूट और बेन फोक्स बैटिंग करने के लिए आए। इसके बाद में बेन फोक्स और जो रूट बैटिंग करने के लिए जहां आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने सेशन की शुरुआत में संभल कर बल्लेबाजी की और इंग्लैंड की टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और एक बेहतरीन साझेदारी बना रहे थे। फोक्स जरूर समय ले रहे थे, लेकिन रूट काफी अच्छी लय में थे और खराब गेंद का पूरा फायदा उठा रहे थे। रूट स्पिन और फास्ट दोनों को काफी अच्छे से खेल रहे थे और अपने अर्धशतक की ओर भी तेजी के साथ बढ़ रहे थे, जहां 40वें ओवर में रूट और फोक्स ने इंग्लैंड की टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद 45वें ओवर में रूट और फोक्स ने इंग्लैंड के लिए 50 रनों की साझेदारी भी पूरी करी और अब बेन फोक्स भी काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे और कुछ
बेहतरीन शॉट लगाकर चौके बटोर रहे थे। वहीं 49वें ओवर में रूट ने सिंगल लेकर इस सीरीज की अपनी पहली 50 पूरी कर ली। इसके बाद में भी इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों को इज्जत भी दी और खराब गेंदों का फायदा भी उठाया। यहाँ 61वें ओवर के बाद में दूसरे सेशन का खेल समाप्त हो गया। दूसरे सेशन समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम ने 198 रन बना लिए, वहीं 5 विकेट के नुकसान पर। यहाँ दूसरे सेशन में इंग्लैंड की टीम ने एक भी विकेट नहीं खोया है। जिसके बाद में आज के दिन के तीसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। तीसरे सेशन में इंग्लैंड के लिए जो रूट और बेन फोक्स बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अश्विन दोनों ने सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाते हुए 63वें ओवर में इंग्लैंड को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं आज इंग्लैंड के बल्लेबाज अटैकिंग बैटिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और सिंगल डबल से अपनी टीम के स्कोर को आगे की ओर ले जा रहे थे। लेकिन 67वें ओवर में बेन फोक्स ने अश्विन के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। जी हां दोस्तों, इस ओवर में फोक्स ने एक छक्का और 2 चौके लगाकर टोटल ओवर से 16 रन बटोर लिए और अब फोक्स अपनी 50 के काफी नजदीक आ चुके थे। लेकिन 68वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने बेन फोक्स को जडेजा के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां बेन फोक्स ने इंग्लैंड के लिए 47 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। इस पारी के दौरान फोक्स ने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए टॉम हार्टली, जिसके बाद में जरूर हार्टली और रूट ने इंग्लैंड की टीम की पारी को संभालने की कोशिश की और कुछ अटैकिंग शॉट भी खेले। लेकिन 76वें ओवर में सिराज ने हार्टली को आउट करके इंग्लैंड की और जकड़ा झटका दे दिया और भारत को 7वीं सफलता भी दिला दी, जहां हार्टली ने इंग्लैंड के लिए 13 रन बनाए और चाहे कि छोर से विकेट गिर रहे थे लेकिन रूट एक छोर पर जरूर टिके हुए थे और अब रूट अपने शतक की ओर भी बढ़ रहे थे। वहीं हार्टली के लिए आउट होने के बाद में रॉबिन्सन बल्लेबाजी करने के लिए आए। इसके बाद में 77वें ओवर में इन दोनों इंग्लैंड की टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया और उसके बाद में भी रूट और रॉबिन्सन ने संभल कर बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां रूट सिंगल डबल के साथ में चौके भी जड़ रहे थे। वहीं रॉबिन्सन भी रूट का अच्छा साथ दे रहे थे। यहां पारी के 84वें ओवर में रूट ने चौका लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। वहीं अब रॉबिन्सन अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे, जहां देखते ही देखते पारी के 79वें ओवर में इन दोनों ने इंग्लैंड के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। वहीं दिन के लास्ट ओवर में इन दोनों ने भारत को विकेट नहीं दिया और पहले दिन समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम ने 302 रन बना लिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर। यहां रॉबिन्सन 31 और जो रूट 106 रनों पर नाबाद खेल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये मैच कौन सी टीम जीतेगी भारत या इंग्लैंड? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।